गुड मॉर्निंग ऑल, जय श्री राम, हर हर महादेव। तो यार करते हैं आज का दिन शुरू, आज का ब्लॉग स्टार्ट एक बड़ी सी स्माइल के साथ और बोलकर जय श्री राम। तो मैं घर पे अकेला हूँ आज, क्योंकि पापा ऑफिस गए हैं, बहन कॉलेज गई है, बहन मम्मी मौसी जी की तरफ है, मैं भी बस निकलूँगा मौसी की तरफ, क्योंकि मैंने अभी नहाया हूँ, मतलब डूबा हूँ अपनी लैंग्वेज में, और मौसी जी की तरफ जाऊँगा क्योंकि खाना वाना मेरा उधर ही है। और सुबह का मौसम देखो क्या मस्त हो रहा है, कोहरा प्लस पोल्यूशन मिक्स हो रहे हैं दोनों, क्योंकि पोल्यूशन ऊपर जा नहीं रहा कोहरे की वजह से, तो नीचे रह जा रहा है, और बाहर एकदम मतलब विजिबिलिटी ना के बराबर हो रही है इस टाइम। और कल अर्थक्वेक आया था भाई, मतलब 700 लोगों की जान गई है नेपाल में यार, RIP टू देम, भगवान उनकी मतलब उन्हें शांति दें, 700 लोग कम नहीं होते। लेकिन तो स्टे सेफ, अपने घरों में सुरक्षित रहें, कभी भी अर्थक्वेक आए जो भी बिल्डिंग वगैरह में रह रहा है, तो जितना जल्दी हो सके अपने घर से बाहर निकलो, खुद को सेफ करो, अपनी फैमिली को सेफ करो, बाकी होना वही है जो भगवान की लीला है। तो घर का काम करवा दिया मैंने सारा, अभी आंटी गई थी घर का काम करके, साफ़ सफाई करके पूरी, मैं भी बस अब मौसी जी की तरफ निकलूँगा। हमारी आंटी बस ऐसे ही करती है आधे अधूरे काम, डाइनिंग टेबल की चेयर नहीं लगाई हुई, और मैं बस निकलूँगा मछली को दाने दे के, मछली को दाने दे दूँ, क्योंकि बस बेचारी इसमें तो यार ये सिल्वर वाली दो ही रह गई हैं, और तो है नहीं, ये देखो इनको लग रहा है मैं दाने देने आया हूँ, वैसे तो सोच तो ये सही रही हैं, दाने ही देने आया हूँ वैसे तो। 3 ये इनके दाने हैं, वेज है क्योंकि हम हैं पंडित ब्राह्मण। 4 दाने लेने, 1 2 3 4, इसको वापस रखता हूँ पैकेट में, पैकेट यार अच्छा भाई यार, पर उनको भी तो देना है, 4 हो गए इनके, 2 इसके, 2 खा लेंगे अब। हाँ भाई खा लो, गुड नाइस, दे डिड इट। तो उनका भी देना पड़ेगा क्योंकि वो थोड़ी बड़ी हो गई हैं, तो उनके 3 दाने जाएंगे उनके दे के, और हम निकलते हैं मासी जी की तरफ, क्योंकि मुझे लाडो को धूप देनी है ले जाके ऊपर, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी को धूप दे देनी चाहिए, अच्छा होता है उसकी हेल्थ के लिए। और एक दाना मेरा नीचे गिर गया, वाह बहुत बढ़िया। तो चलो ये दाने देता हूँ, ज़्यादा बोर नहीं करूँगा आप लोगों को, बट इनको देख लो क्या कर रही है। हाँ जी खाना चाहिए, हाँ बहुत बढ़िया खाना चाहिए, लो जी खाइए खाना अपना, वेरी गुड। तो यार मैं भी चलता हूँ, निकलता हूँ मौसी जी की तरफ, मुझे भी भूख लग रही है वैसे तो, टाइम हो गया है 10:15, करेक्ट, मैं भी निकलता हूँ खाता हूँ, व्लॉग हो चुका है अपलोड, तो लोगों ने देखना स्टार्ट कर दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच यार, आप बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दे रहे हो, सभी प्यार कर रहे हो, फॉलोवर मतलब सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, बस लाइक, और मतलब वीडियो को पूरा देखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, स्किप कर करके ना देखोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, बट जो भी है अच्छा है, थैंक यू सो मच। तो अभी चलो निकलते हैं मौसी जी की तरफ। खाना हो गया मेरा मौसी जी की तरफ, और अब मैं छत पे बैठा हूँ, बताऊँ किसके साथ, मैं किसी को धूप दिखवा रहा हूँ, ये देखो हमारा लड्डो, ये लाडो मीट लाडो, क्यूट सा लाडो धूप के नीचे बैठा है एकदम सूरज के नीचे, ऐसे करना चाहिए बेबी के साथ में ना। कैसे मीटिंग हो रही है इतनी, किस चीज की मीटिंग हो रही है, है भाई होई की हाँ। क्या प्लानिंग चल रही है बताओ जल्दी, हमें हमें बताओ जल्दी, मैंने कहा होई मैं अपने घर पूछूंगी, ये हाँ। सारे कह रहे हैं पूछेगी, अच्छा तो मैंने कहा बिल्कुल ना पूछू थारे, हां अपने घर जाकर थावड़ी करूंगी, अच्छा रिकॉर्डिंग कर रहा, रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा, ऐसे व्लॉग बनाना क्या मैं, हां क्या रियल के कहना ना यही करेगी, तुझे जानना है भाई, ये मुझे कैसे रोक सके, वही तो कैसे रोक सके मैं बताऊं, हां तेरे पैर पकड़ के ना भाई, हम मर्जी है जिसको जहाँ बनानी है वहाँ बनाओ, हम मना नहीं करते जिसको जहाँ बनानी है। मौसली को देख लेते कहाँ लग रही है, देखिए अरे कहाँ लग रही है, इन्हें देख लो इनके अलग मजे चल रहे हैं, ये अपनी छोरी से बात कर रही है, अभी तो भाभी को लेकर आए हैं हॉस्पिटल, ड्रेसिंग करानी थी उनकी, तो मैं मौसी जी भैया आए हैं, तो यहाँ पार्किंग में जगह ही नहीं थी, तो मैंने बोला आप दिखा के आओ, मैं गाड़ी में बैठता हूँ, अगर कोई किसी को निकालनी हो जैसे गाड़ी वगैरह, तो
तो मैं इजीली निकाल दूँ, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और हॉस्पिटल के तो बाहर यार कभी भी मत करो ऐसे कि दूसरे बंदे को प्रॉब्लम हो। हमेशा अगर गाड़ी की जगह नहीं है तो एक बंदे को गाड़ी में छोड़ के जाओ ताकि दूसरा बंदा अपना प्यार से निकल जाए। तो भाभी की ड्रेसिंग होने के लिए आई है, मौसी और भैया अंदर हैं, मैं वेट कर रहा हूँ, यहाँ से घर निकलेंगे। उसके बाद 3 बजे अपने लाडो को लेके जाना है, वही चेकअप जो होता है, बेबी चेकअप जो होता है उसका भी करा के लाना 3 बजे। आ गए क्या? नहीं अभी नहीं आए। हाँ तो 3 बजे उसको लेके जाना है, फिर हमारा काम ख़त्म आज का, आज यही है बस। इधर उधर घूमना नहीं है ज़्यादा, सिर्फ काम करना है और ये चेकअप करवाना है थोड़ा सा बेबी का। चलो आज अगर जिंदगी की चाट खाई जाए, मैं तो हॉस्पिटल भैया के साथ लाडो को दिखाने के लिए, उसकी वैक्सीन वगैरह होनी है और अब अंकल से बनवा रहे हैं। ये कितने के? एक ही डलेगी इसमें? नहीं हो। अच्छा मैं और लाडो अभी गाड़ी में बैठे हुए हैं अकेले। ये देखो मेरा प्यारा सा बच्चा। तो मम्मी और भैया गए हुए हैं भाभी के लिए छोटा सा गिफ्ट लेने, क्योंकि आज भैया भाभी की एनिवर्सरी है तो भैया भाभी के लिए कुछ गिफ्ट लेने गए हैं। फिर हम यहाँ से केक लेने जाएंगे एनिवर्सरी वाला। और ये लड्डू मेरी गोद में बैठा हुआ है, एकदम चैन की नींद सो रहा है। तो मेरा टाइम तो अभी इसी के साथ निकलेगा क्योंकि मुझे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, मासूम से होते हैं ना एकदम प्यारे प्यारे से। देखना कैसे चेहरा बनाती है, प्यार क्यों ना इनके ऊपर देखना। ओए तो आते हैं भैया, मतलब मैं वेट कर रहा हूँ गाड़ी में बैठा हूँ क्योंकि इसको बाहर ले जाना सही नहीं है भाई, क्योंकि पोल्यूशन इतना है यहाँ पे बहुत ज़्यादा और बच्चे को ऐसे बाहर ले जाना सही नहीं है। तो हम कर रहे हैं इसकी रखवाली गाड़ी में बैठ के, ध्यान ध्यान दे रहे हैं इसको, ध्यान ध्यान है ना लाडो। ओहो स्माइल कर रहा है। अच्छा ये पैदा होते शॉपिंग करने लगे हैं मम्मी, ये 6 दिन की शॉपिंग करने आई है अपनी मम्मी की मैरिज। हाँ और देखो क्या खेल रही है, मस्त खेल चल रहे हैं इसके। डॉक्टर के जाना था, इसको पापा का याद आ गई क्या, मेरी एनिवर्सरी है। ओह बोर हो गया, देख बोर हो गया, वो साड़ी ली गई है। हाँ और इन्होंने साड़ी खरीदी है, है ना भाई? कैसी कैसी साड़ी खरीदी है तुमने 6 दिन की ना। ये केक जा रहा है, ये इनका केक जा रहा है, ये हमारा लड्डो है। देख क्या टिपारे खोले हुए हैं भाई, पहले तो ये मुझे देखते ही टिपारों को बंद कर लेती थी, अब तो चलो खोलने लगी। वो धीरे धीरे बड़ी होगी ना वैसे वैसे, जैसे जैसे हो जाएगा। अभी तो सोए सोए जा रही है। हाँ अभी तो ये दूध के नशे में रह, देखना कैसे पड़ी रहे दूध के नशे में, ऐसी रहे भयंकर। क्या लोग दारू पिए, दूध पीना शुरू कर दो जो दारू पिए मम्मी। हाँ। सही कह रहा हूँ, दूध पियो, किसी को पता ना हो तो हमारे से ले लो, सीख लो। हाँ लाडो सब बता देगी। लाडो सब बता देगी, बहुत नशा करती है भाई लाडो। केक कटिंग हो रही है एनिवर्सरी की, और ये देखो लड़ाई, ये नीचे बिखेर दे, किसने बिखेरा है? हाँ सारे काम ऐसे ही करा है, बताओ। प्राची को पता है भैया किधर लेटा है, उसी हिसाब से गंदा करा प्राची। मैं ले रही हूं आज के लिए। हां अच्छा ओके, बुआ जी का हो गया और इसका दूध भी ना चल रहा है, इसकी पार्टी दूध पार्टी चल रही है। हाय लाडो, क्या हुआ मौसी जी? लो अपना केक खाओ, ये मेरा है, ये ना कैसा लगा केक? पूरा चाट रहे उंगली उंगली भर के, पता लग रहा बढ़िया है। वाह क्या हंसी है, वाह क्या हंसी है। अपना केक वेक हो गया भैया, मैं तो जा रहा हूँ अपने घर। दे आंटी ने देना, कैसे बोला? मैंने बोला मैं जा रहा हूँ अपने घर, आंटी ने घर से बोला जाओ। यार ये तो गलत बात है, आंटी भगा रही हो आप मुझे, हद हो गई। चल भाई घर चल रहे हैं, अपने घर चल रहे हैं। चल चाबी ले लिया घर की? चाबी रुक जाओ गाड़ी में पड़ी है सारी, बैग क्यों उठा लो, बैग है कहाँ? तो बताएगी, मैं बताऊंगा प्राची, तू बताएगी। गाड़ी की चाबी देख कहाँ, ब्रीजा की, ब्रीजा की, ब्रीजा की चाबी देख कहाँ है, ना है ना जेब में, ना है ना, अंदर होगी ड्राइंग रूम में होगी, रुक ड्राइंग रूम में रखी होगी शायद। ये रही रहने दे, लेट्स गो।
बाय बाय। ड्राइंग रूम में रखी थी ना मैंने। क्यों? सुबह ऐसे बैठ गया था कि मैं। पोल्यूशन इतना ज्यादा रोड पे, वो दिख ना रहा। और मेरे जैसे को तो वैसा दिक्कत है बाहर, खांसी ना रुकती। क्यों प्राची, सही कह रहा हूँ? भयंकर स्मेल आ रही है। खोल खोलने के भी मेरे भी कह रही है। वाह, बैग भी मुझे दे दिया है ना। क्या ले रखा, दिखा ये सामान जरा। फालतू की बात है। शुक्र है सही टाइम पे दूध देख लिया, बिल्कुल ही मतलब एंड मोमेंट पे। अभी प्राची बताऊंगा, प्राची पीट देती अभी मेरे को ढंग से। प्राची दूध निकलते निकलते बच गया, मतलब बिल्कुल ही ऊपर पे एकदम खतरनाक। मैंने पहले बोला था फुल पे था। और तेरे कैसे नंबर आए? लड़की खुश क्यों है इतनी है? नंबर अच्छे हैं। कितने कितने आए? एक में 47, एक में 40, एक में 41 और एक में 38। बढ़िया, क्या बात है, सही है। इससेशनल थे ना? 50 में से थे ना? 40 मैक्स कितना है? 47। क्या बात है, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। घर तो आ गए थे हम अपने, मैंने दिखाई दिया था। अब भाई बस मैं तो जा रहा हूँ सोने के लिए। मैं गया भयंकर थकान पूरी, रोज का हो गया, अब तो रोज रहेगा। सुबह भाग जाऊँगा फिर उसके पास, लाडो के पास। तो बस चलता हूँ सोने के लिए। अब जल्दी एक फिर से रोस्टिंग वीडियो आने वाली है आप लोगों के लिए, भयंकर वाली, जो आप लोगों को इंस्टाग्राम पे बहुत परेशान भी कर रही होंगी वो वीडियो। तो उन्हीं के ऊपर कुछ आएगा जल्दी, तो स्टे ट्यून्ड, बढ़िया कंटेंट आने वाला और भर के आने वाला है। एक नहीं कई आएंगे अब। तो जय श्री राम, हर हर महादेव, टेक केयर, गुड नाइट। Hello, it's been a long, long time, can't get you off my